सब्सक्राइब करें हमारे कला कोश चैनल को एंड हिट करें बेल आइकन को ताकि हमारा नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आपके चैनल कला कोश में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज की वीडियो में मैं लाया हूं आपके लिए एक नया ग्राफ। तो जो ग्राफ आज हम बनाने वाले हैं वो कुछ ऐसा होगा, एक पेपर बर्ड। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए कलर पेपर्स, फेविकॉल, सीजर, पेंसिल एंड एक ब्लैक पेन। सबसे पहले हम लेंगे पर्पल कलर पेपर, जिसके ऊपर हम किसी टूल की मदद से बनाएंगे एक सर्कल। अब इसे हम सीजर की मदद से अच्छे से काट लेंगे। बच्चे जब भी सीजर का इस्तेमाल करें अपने बड़ों की मदद जरूर लें और हम इसे अच्छे से सर्कल काट लेंगे। अब हम लेंगे स्काई ब्लू कलर पेपर, जिसके ऊपर हम इसे एक छोटा सर्कल बनाएंगे। ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया, अब हम इसे भी अच्छे से कट करेंगे। अब हम इसके पर्पल वाले सर्कल के ऊपर स्काई ब्लू सर्कल को उसके 1/3 में पेस्ट करेंगे। इसके लिए हम लगाएं ये फेविकॉल, इसके 1/3 में हमने इसे कर दिया पेस्ट। अब इसे हम रख देंगे दूसरी तरफ सूखने के लिए। अब लेंगे हम येलो कलर पेपर, इसमें हम ड्रॉ करेंगे इसके विक और टेल। जब हम इसे सीजर से कट करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, जिसे मैंने पहले से कट करके रखा है। तो ये इसका बिक, जिसे हम एक ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे, और ये इसका टेल, जिसे हम बीच से फोल्ड कर देंगे। अब हम लेंगे इसका बॉडी वाला पार्ट, जिसे हम बीच से कर देंगे फोल्ड। फोल्ड करने के बाद वो कुछ इस तरह दिखेगा। स्टैंड हो सकता है, हम इसके एक साइड लगाएंगे पिक, इसके बैक साइड में हम इसे अच्छी तरह पेस्ट करेंगे। फोल्ड करने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। अब इसके बैक साइड में हम लगाएंगे टेल, फेविकॉल की मदद से हम इसे अच्छे से चिपका लेंगे और अब ब्लैक पेन की मदद से हम इसके ऊपर करेंगे आई ड्रॉ। आई बोल्स बनाए दोनों साइड। अब ये बर्ड हमारा रेडी है। अब इसे हम इसे अच्छे से स्टैंड कर सकते हैं टेबल पे, अपने रूम पे डेकोरेट कर सकते हैं, और ये बनने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ से शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें।